नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में वेल ड्रॉप आई ड्रॉप के बारे में। देखेंगे भाई ये क्या आती है, कहाँ डालने की आती है, कितने दिन तक डालनी चाहिए, डोज क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आ सकती है, काम किस तरह से करती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे वीडियो पूरा देखिए। देखिए वेल ड्रॉप एक आई ड्रॉप आती है आँख में डालने की। दोस्तों एलेंबिक कंपनी का एक ब्रांड आता है, इसको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लगभग ये हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर ये मिल जाती है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। बात करते हैं भाई क्यों देते हैं, आंखों में कौन सी प्रॉब्लम दे जाती है। तो दोस्तों उसको समझने के लिए इसके अंदर जो सोल्ट है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर आता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस 0.5%। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस को अगर समझे तो ये आर्टिफिशियल टीयर होता है, यानी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है, जो आंखों को लुब्रिकेंट करने के लिए, आंखों को कृत्रिम आंसू देने के लिए, तो वहां पर ये काम आती है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों आर्टिफिशियल देना पड़ता है? तो देखिए आंखों में किसी भी कारणवश कई बार देखा गया कि आंखों के अंदर जो लुब्रिकेंट है, जो नेचुरल तरीके से आंखें बनाती है, उसकी कमी हो जाए या वो बनना बंद हो जाए, या नेचुरल टीयर आंसू जो आंसू निकलते हैं वो उसकी कमी हो जाए, आंखों में सूखापन आ जाता है, फिर उसके कारण ड्राई आई सिंड्रोम होने लगता है। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली होता क्या है कि आंखें टाइट रहने लगती है, आंखों से धुंधला सा दिखने लगता है, आंखों में रेडनेस आ सकती है, इरिटेशन हो सकता है, खुजली चल सकती है। तो ये इस टीयर की कमी के कारण, इस लुब्रिकेंट की कमी के कारण हो सकता है। तो कुछ टाइम रिलीफ देने के लिए आर्टिफिशियल टीयर डाला जाता है आंखों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। ये सब कुछ आई स्पेशलिस्ट ही तय करते हैं, आपको तय नहीं करते, तो इसलिए देते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट करने के लिए आंखों में। दोस्तों अगर आंखों में लुब्रिकेंट की कमी हो जाए तो इन्फेक्शन भी जल्दी होने लगता है, तो वहां पर भी ये काफी जरूरी हो जाता है। बात करते हैं डोज के बारे में। तो वैसे तो अपने डॉक्टर के हिसाब से ही डोज डालनी चाहिए। अगर मैं इसकी नॉर्मल डोज की बात करूं तो दिन में 2 से 3 बार आप डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ही ये दी जाती है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, और आपको जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उतने दिन डाल लीजिएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन हो सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, खुजली चल सकती है, या डालने के बाद धुंधला सा दिखने लग सकता है। इसलिए इसकी सावधानियां भी जरूरी है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय आपको नहीं डालना चाहिए, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डालने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट ना आए, 6-7 दिन के बाद कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, तो डॉक्टर को फिर से जरूर दिखाना। एक इसकी दोस्तों डाला चाहिए, सील ओपन होने के बाद ये 1 मंथ तक ही काम आती है, उसके बाद खराब हो जाती है। 1 मंथ के बाद आपको नहीं खोल लेनी चाहिए, वो अच्छा रहता है आंखों के लिए। एक काम है जो ये आई ड्रॉप नहीं करती, वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है। मिलते हैं वीडियो में।